चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला एमसीक्यूज है द इनवर्स फंक्शन डिनोटेड बाय साइन इनवर्स और आर्क साइन इज़ द इनवर्स ऑफ द प्रिंसिपल साइन फंक्शन एंड इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। इतनी लंबी करने का सिंपल ये है कि वो पूछ रहे हैं किस तरह डिफाइन करते हो, आप डिफाइन करते हो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। बाकी जितने ऑप्शन देखोगे अजीब से लिखे हुए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। टू पे आ जाओ, लिखा हुआ है आर्क टेंजेंट। अच्छा, आर्क टेंजेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट थ्री। अच्छा, अगर आप मेरे स्टूडेंट तो आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो इसकी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, वैसे मुझे खुद नहीं पता। टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट थ्री कहाँ पर होगा भाई, माइनस रूट थ्री मतलब यहाँ पे कहीं होगा। तो ये एंगल क्या होता है, माइनस 60 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे तो माइनस 60 डिग्री नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मज़े की बात, इस सवाल में एक ट्विस्ट आएगा, अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे ना, ये तो मैं खुद निकाल रहा था, कैलकुलेटर से अगर आप निकालोगे तो टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट थ्री का आंसर क्या होगा, माइनस 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे जाके, क्योंकि कैलकुलेटर से यहाँ ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा। तो वैसे अगर आपको चैप्टर नंबर 13 आता हो, तो उसमें मैंने बताया था कि जब टेंजेंट में नेगेटिव एंगल आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हम पाई ऐड कर देते हैं, पाई मतलब 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव कैसे बनाओगे, इसके अंदर आप ऐड कर दो 180 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, 120 डिग्री। और 120 डिग्री मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थ्री में क्या लिखा हुआ है, थ्री में लिखा हुआ है आपके पास के टेंजेंट ब्रैकेट कॉट इनवर्स, टेंजेंट जो है वो बराबर है कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी टेंजेंट कॉट इनवर्स एक्स ये किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन में उन्होंने चार मतलब तीन ऑप्शन लिखे हुए हैं, चौथा नन ऑफ दीज है। देखो, इसको आप दो तरीके से बता सकते हो कि टेंजेंट कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा। पहला तरीका ये कि आप इसको ऐसा लिख दो कि कॉट टेंजेंट इनवर्स एक्स, इन दोनों के आंसर सेम ही होगा, टेंजेंट कॉट इनवर्स या कॉट टेंजेंट इनवर्स एक्स एक ही बात होगी। तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, और एक और तरीका भी है इसका, वो क्या है, अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कि आप अंदर जो लिखा हुआ है ना, इसको आप लेट कर लो कॉट इनवर्स एक्स के बराबर, सॉरी ये अंदर जो लिखा हुआ है ना कॉट इनवर्स एक्स, इसको आप लेट कर लो थीटा के बराबर, तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी टेंजेंट थीटा। अब बेसिकली आपको क्या टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, किस तरह निकालोगे, देखो कॉट इनवर्स है, इधर जाके क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। कॉट थीटा क्या होता है, वन ओवर टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्स, और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, वन ओवर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, थीटा आपने किसके बराबर लेट किया था, कॉट इनवर्स एक्स के बराबर लेट किया था। तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू वन ओवर एक्स के बराबर भी है। अब डिपेंड करता है आपसे क्या पूछें, इधर जो पूछा हुआ है इन्होंने वन ओवर एक्स ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में ये वाला पूछा जाए तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। फोर में लिखा हुआ है इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू जीरो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा विल बी। अच्छा देखो, जब ऑप्शन में आपके पास सिर्फ एक थीटा लिखा हुआ है ना, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व ना करो, क्योंकि जब आप लोग सॉल्व करते थे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज आती थी, तो मैं रिकमेंड करूँगा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करो, बैक सॉल्व करो, जो ऑप्शन लिखे हुए ना वो पुट करके देख लो, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको। कैसे, जैसे उन्होंने बोला हुआ है कि ये पूरी चीज़ जो है ये किस वैल्यू ऑफ थीटा पे ज़ीरो होगी, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू ऑफ थीटा पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ इसको। तो अब ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू पुट करोगे आंसर ज़ीरो होगा, आप बहुत ईजी है इसको चेक करना, ऑप्शन नंबर ए क्या, माइनस पाई बाई टू। जब आप यहाँ पुट करोगे साइन माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए माइनस वन के बराबर है, नहीं पता तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना। इस पूरी चीज़ साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन के बराबर होता है, माइनस वन का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वन, और इधर साइन माइनस पाई बाई टू माइनस वन होता है माइनस वन, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अगर इसका नहीं आता तो आप बी पे चले जाते, तो हार्डली आपको एक मिनट के अंदर एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, बजाय कि आप सॉल्व करो आपके पास वो रेंज ऑफ थीटा आ जाएंगे, फिर आप देखो कौन सा लगेगा इसके ऊपर। तो बेस्ट तरीका आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद फाइव लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर है, देखो याद रखो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, हमेशा इसका आंसर पाई बाई टू के बराबर होगा, इस चीज़ को आप लोग याद रख लो। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, मैं उस प्रूफ में नहीं जाऊँगा, लेकिन बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पाई बाई टू, क्योंकि एक दूसरे के को फंक्शन है, ये साइन और कॉस एक दूसरे के को फंक्शन है, मतलब जैसे साइन एक्स ये किसके बराबर होगा कॉस 90 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिटी इसकी फॉर्म में आए, या अगर आपके पास आ जाए कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो
तो इसका आंसर भी क्या होगा, पाई बाई टू होगा, क्योंकि टेंजेंट और कॉट एक दूसरे के कोफंक्शन है। और इस चीज़ को आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने फाइंड करना हो टेंजेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो, लेट से जो आपको पता है ना मशहूर मशहूर टेंजेंट की वैल्यू, जैसे टेंजेंट जो 30 ले लेते हैं, टेंजेंट 30 पे 1/√3 होता है, ठीक है। तो लेट कर लो आप एक्स की वैल्यू 1/√3 ले लो। तो इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स 1/√3, ठीक है। अच्छा अब आपको लिखना है कॉट इनवर्स। अच्छा आमतौर पर स्टूडेंट कन्फ्यूजन ये होती है कॉट इनवर्स कैसे लिखोगे, 1/tan−1x, मतलब 1/tan−1 इस तरह लिखोगे, ये गलत है। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होता है कि कॉट एक्स अगर आपने लिखना है तो वो बराबर होता है 1/tan के। इनवर्स में टेक्निक नहीं होती, इनवर्स में टेक्निक ये होती है कि अगर आपने कॉट इनवर्स एक्स निकालना है तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स 1/x के, ठीक है। मतलब यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो आप क्या कर दो, 1/x, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, और कॉट है तो आप टेंजेंट इनवर्स कर दो। तो अगर कॉट इनवर्स एक्स को आपने कैलकुलेटर से निकालना ये आएगा। हमें बेसिकली निकालना था इस सवाल में, हम कैलकुलेटर में क्या डालें, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3। तो कॉट इनवर्स 1/√3 को आप कैलकुलेटर में कैसे करोगे, आप लिखोगे टेंजेंट इनवर्स 1/√3 है ना, तो रेसिप्रोकल कर दो, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैलकुलेटर में आप निकालोगे यहाँ से भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, पाई बाई टू मिल रहा है। अच्छा कैलकुलेटर को रेडियन के अंदर चेंज कर लेना तभी आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, मुझे नहीं शिकायत करना आके। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और कॉट एक दूसरे के को फंक्शन है। यही चीज़ उसके अंदर सेक और कोसेक के अंदर भी होगी। तो उन सबके याद रखना कि ये सब किसके बराबर होते हैं, पाई बाई टू। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 6 में लिखा हुआ है कॉस 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 90। वो पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स बताओ लेस देन 90। अब अगेन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सप्रेशन क्या है, कॉस 2x प्लस कॉस एक्स ये बराबर है 0 के, किस x की वैल्यू पे, और वो x भी क्या होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि डी लेस देन 90 नहीं है, 90 के बराबर है। ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन 60 डिग्री है। अगर यहाँ आप x की जगह 60 डिग्री पुट करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 120 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से निकालना चाह रहे हो तो निकाल लो, वरना होती है −1/2 और cos 60 डिग्री होती है 1/2। तो यहीं से देखो कैंसिल हो रहे हैं, आंसर 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा ए 60 डिग्री। 7 में लिखा हुआ है sin इनवर्स x मल्टीप्लाई cos इनवर्स x। देखो sin इनवर्स x मल्टीप्लाई cos इनवर्स x, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ अलग थी, लेट से अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट करोगे, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 और कॉस इनवर्स 1/2 होता है π/3। इनका एडिशन बराबर होता था π/2 के। इसी तरह आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, इनका एडिशन π/2 के बराबर था। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन निकालोगे, मल्टीप्लिकेशन अलग होगी, जैसे π/6 मल्टीप्लाई π/3, इसका रिजल्ट क्या होगा, π/18, ठीक है। आप कुछ और x की वैल्यू पुट कर लो, लेट से x की वैल्यू 1/√2 पुट करो, तो 1/√2 पुट करोगे, साइन इनवर्स 1/√2 π/4, इसी तरह कॉस इनवर्स 1/√2 π/4। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास π/16 आ रहा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई एक रिजल्ट नहीं होगा, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसमें आप डी लगाओगे, मतलब नन ऑफ दिस। उसके बाद 8 में लिखा हुआ है आपके पास आर कॉस, जिसको मैं कॉस इनवर्स भी लिख सकता हूँ, 2x² −2x इक्वल टू 2π/3। कॉस इनवर्स है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 2π/3। पाई बाय थ्री होता है 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120, और कॉस 120 अभी आपने निकाला था −1/2 के बराबर होता है। 2 को मल्टीप्लाई करो यहाँ से तो ये हो जाएगा 4x² −1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, आपको इसके अंदर x फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप पुट कर दो 4 −4 1, सॉल्व करो, x की 1/2 वैल्यू आ रही है। अच्छा दोबारा इक्वल दबाओगे तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब है रूट्स इक्वल हैं, ए की एक्स की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 कौन सी वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 9 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स जो है वो बराबर है 1/2 के, साइन इनवर्स 1/2 बराबर है π/2 −x के। आप क्या करो, आप x की वैल्यू निकालो। देखो साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री मतलब π/6 पे, ठीक है, और यहाँ पे π/2 है −x है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स को उधर ले आओ पॉजिटिव, π/6 को उधर भेज दो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पाए में छोड़ो इसको, वैसे सॉल्व कर लो, 90 डिग्री को अगर आप 30 डिग्री से माइनस करो 60 डिग्री आता है, और 60 डिग्री होता है π/3। द
एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय थ्री, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 5 हमारा रह गया ठीक है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद कोर्स कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआएं देते रहना।